हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आप सभी के लिए एसजीपी का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इसमें एक क्लास में एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। यहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। और क्लास जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम टेलीग्राम पर अपने नोट्स को सेंड कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग ज़्यादातर ध्यान डायग्राम पर दें क्योंकि उससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी और आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि पहला चैप्टर जो आपका फॉल्ट करके है उस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चन को हम आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका चैप्टर वन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन बताया है इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो 100% है इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखिए चैप्टर वन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस आप उसको तैयार करके जाइए, एग्ज़ाम में 100% आप अच्छा करके आएंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इसमें है कि फॉल्ट क्या होता है और फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। और एग्ज़ाम में इस टाइप के कई प्रकार के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि प्रदोष क्या होता है, प्रदोष कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को समझाइए, इसके कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। यह आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में देखिए तीसरा है सिमेट्रिकल फॉल्ट को समझाइए, इसका वर्गीकरण करते हुए इसके कारणों व प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर वन में कुछ सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाने को आता है। तो जितना भी आप डेफिनेशन लिखे जैसे फॉल्ट का डेफिनेशन हुआ, ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, तो इन सबका सिंगल लाइन डायग्राम भी आपको बनाना होगा। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसका ईजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में फॉल्ट या फॉल्ट करंट का मतलब होता है कि एबनॉर्मल करंट, मतलब कि असामान्य विद्युत प्रवाह। आप भी कोई उपकरण देखे होंगे जब वह जल जाता है तो आप लोग यही कहते होंगे कि फॉल्ट की वजह से जल गया। देखिए फॉल्ट की वजह से होता क्या है कि जो फॉल्ट की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई इक्विपमेंट है इसमें नॉर्मल करंट आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल करंट आ रहा है, लेकिन जब ये फॉल्ट की स्थिति में होता है और करंट का मान जो होता है क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। और जब कई गुना बढ़ जाता है तो जो भी आपका उपकरण रहता है वह डैमेज हो जाता है। तो फॉल्ट का जनरली मतलब आपको समझ में आ गया होगा, फॉल्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल करंट, मतलब असामान्य। देखिए अगर जैसे ये उपकरण है सामान्य प्रवाह में है तो मतलब जितना इसको विद्युत चाहिए उतना विद्युत इसको मिल रहा है, लेकिन जब एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी मतलब कि असामान्य हो जाएगा तो इसको मतलब कि जितना रेटिंग करंट है इसका उससे ज़्यादा करंट मिलेगा तब यह डैमेज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल करंट, मतलब कि असामान्य विद्युत प्रवाह। देखिए दूसरे पॉइंट पर है कि फॉल्ट को विद्युत खराबी भी कहा जा सकता है। कोई भी उपकरण खराब हो जाता है तो आप लोग यही कहते हैं कि फॉल्ट की वजह से खराब हो गया है। और फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब कि प्रोटेक्टिव स्विच गियर लगाते हैं, यही सब लगाते हैं, वो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो फॉल्ट होता है एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसकी वजह से विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं और यह इलेक्ट्रिक करंट के सामान्य प्रवाह को डिस्टर्ब करता है। यही चीज़ हमने आपको बताया। मान लीजिए ये कोई सर्किट ब्रेकर हो गया जैसे कि, या कोई उपकरण हो गया, ये कोई आपका उपकरण है, जब इसमें फॉल्ट होता है तो मतलब कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है और फॉल्ट की वजह से यह उपकरण क्या होगा आपका, डैमेज भी हो जाएगा। और यह इलेक्ट्रिक करंट जैसे मतलब कि मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, नॉर्मली फ्लो हो रहा है, लेकिन जब फॉल्ट होता है तो इसके नॉर्मली जो फ्लो होता है उसके फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो यही मतलब होता है फॉल्ट का, एबनॉर्मल करंट। अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करके चलिएगा। कोई भी अगर पूछ लेता है आपको फॉल्ट क्या है तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन बहुत आसान शब्द में बताया है कि किसी भी पावर सिस्टम समझते हैं ना, जहाँ पर पावर सिस्टम क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वही होता है पावर सिस्टम। किसी भी पावर सिस्टम में किसी अनडिजायर्ड कास्ट मतलब किसी बिना चाहे जो कारण उत्पन्न हो जाए उसकी वजह से असामान्य स्थिति जो पावर सिस्टम के ऑपरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है फॉल्ट कहलाती है। कहने का मतलब जो कोई भी पावर सिस्टम हो गया, मतलब कि आप कोई भी पावर सिस्टम हो गया उसमें मतलब कि किसी भी डिजायर्ड कास्ट, मतलब चाहते हुए इसमें कोई फॉल्ट तो उत्पन्न होगा नहीं, मतलब बिना चाहते मतलब अचानक से कोई भी दिक्कत हो जाती है जो पावर सिस्टम के ऑपरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है। फॉल्ट होने पर क्या होगा, जो आपको सप्लाई मतलब आपूर्ति मिल रही विद्युत की वो रुक जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फॉल्ट जो है पावर सिस्टम को प्रभावित करता है,
उसी को क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, और कोई भी पूछे तो यही डेफिनेशन बताइएगा और एग्ज़ाम में भी यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि फॉल्ट होता क्या है, अब ये समझते हैं कि फॉल्ट उत्पन्न क्यों होता है। आपने देखा होगा, देखिए आपने ये बिल्कुल अनुभव किया होगा कि फॉल्ट की समस्या जो है हमको तब देखने को मिलती है जब क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है या फिर तूफान चलता है, तो हमको फॉल्ट की वजह से विद्युत आपूर्ति की सप्लाई नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि मतलब कि आंधी तेज़ चली थी इसलिए फॉल्ट की वजह से बिजली नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कारण है फॉल्ट होने का, कि मतलब कि हाई स्पीड वाइंड जो होती है, मतलब हवाएं तेज़ चलती हैं, ये भी एक कारण है फॉल्ट के उत्पन्न होने का। यहाँ पर हमने टॉपिक जो बताया आपको कि वाई फॉल्ट अकर्स, मतलब फॉल्ट क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए, थ्री फेज अथवा सिंगल फेज सिस्टम में फॉल्ट निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण तो आपको हमने बता दिया कि हाई स्पीड वाइंड, मतलब कि तेज़ हवाएं चलने की, जैसे लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है जैसे बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, जिसे बोलते हैं तड़ित आघात जिसे बोलते हैं, लाइटनिंग की वजह से अर्थक्वेक, अगर भूकंप आता है कहीं पर तो भी फॉल्ट की दिक्कत हो सकती है। इंसुलेशन फेल्योर, मतलब जैसे मान लीजिए आप देखें कि यहाँ पर थ्री वायर जाता है ऐसे आर वाई वी करके, अगर जैसे कि इंसुलेटेड है या नहीं है, अगर तीनों मतलब कि ऐसे क्या होते हैं टच हो जाते हैं तो भी फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। देखिए, तीसरे नंबर पर हमने मेंशन किया कि फॉलिंग ऑफ अ ट्री, अगर किसी फॉलिंग ऑफ, अगर कोई पेड़ बिजली के खंभों पर या बिजली के तार पर गिर जाता है तो भी फॉल्ट की समस्या देखने को मिलती है। और बर्ड सॉर्टिंग, मतलब जैसे कि बर्ड सॉर्टिंग का मतलब है जैसे कि एक वायर ये है एक वायर ये है, और पक्षी बैठ के अपने पंख फैला देता है, इससे भी टच हो जाता है पंख, और इससे भी तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये भी एक प्रकार का फॉल्ट है। और लाइन ओवरलोड, जब मतलब कि जो कंडक्ट जो आर वाई भी आपका थ्री फेज होता है, जब वो ओवरलोड की स्थिति में आता है तो भी फॉल्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो अब तक आपने ये जान लिया होगा कि फॉल्ट क्या होता है और फॉल्ट क्यों उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये पढ़ना है। देखिए, फॉल्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहले आपको टाइप्स नॉर्मल में बता देते हैं, इसके बाद जितने भी टाइप्स हैं उसको एक एक करके हम मतलब कि डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठीक है। तो फॉल्ट आर टू टाइप्स, फॉल्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो पहला फॉल्ट है आपका मैकेनिकल फॉल्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो फॉल्ट है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। तो कोई भी पूछे फॉल्ट कितने प्रकार का होता है, तो फॉल्ट दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल फॉल्ट होता है, एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को भी डिवाइड किया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है टेम्प्रोरी फॉल्ट और दूसरा होता है परमानेंट फॉल्ट। टेम्प्रोरी फॉल्ट का मतलब है कि ये अपने आप सही हो जाता है, टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए रहता है, परमानेंट फॉल्ट जो होता है ये परमानेंट रहता है, मतलब अपने आप से सही नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, टेम्प्रोरी और परमानेंट का मतलब यही, जैसे कि आंधी तूफान चलता है तो तार क्या होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आंधी तूफान बंद हो जाता है तो तार अपने आप सही हो जाते हैं, तो ये टेम्प्रोरी फॉल्ट होता है, इसमें किसी मतलब व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये नॉन स्टेबल होता है, अपने आप सही हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट फॉल्ट होता है, जैसे कोई वायर आपका कट के मतलब ग्राउंड से संपर्क हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉल्ट बोलते हैं। अब परमानेंट फॉल्ट भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डिवाइड में आपको बता दिया है कि फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट। फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, टेम्प्रोरी फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट। अब परमानेंट फॉल्ट जो है आपका, अब जो आपका परमानेंट फॉल्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट को हम स्टेबल फॉल्ट भी बोलते हैं। अब परमानेंट फॉल्ट के जो होते हैं दो टाइप होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट। आपको बता दें, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही इस चैप्टर से, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। और सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल के बोल देगा लिखने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा, तो आपको बनाना पड़ेगा, इसी से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि परमानेंट फॉल्ट क्या है, परमानेंट फॉल्ट के टाइप कितने हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अब आपको नंबर वाइज बता देते हैं कि जो फॉल्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला है मैकेनिकल फॉल्ट। अब ये समझ लेते हैं कि मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल फॉल्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री वगैरह कहीं पर गए होंगे
तो आपको कई प्रकार के मतलब कि मशीन्स वगैरह देखने को मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिकल ही फॉल्ट हो, मतलब कि कोई वायर मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके मशीन के जो उपकरण होते हैं मतलब जैसे कोई भी मशीन है वो टूट फूट हो गया उसमें, उसका मतलब कि कोई भी उपकरण ख़राब हो गया तो मतलब उसमें विकृत पैदा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल फॉल्ट। आप समझ रहे हैं, मैकेनिकल यांत्रिक रूप से जो फॉल्ट होता है उसको मैकेनिकली फॉल्ट होते हैं, लेकिन मैकेनिकली फॉल्ट जो होते हैं यही फॉल्ट बाद में इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है। मैकेनिकल फॉल्ट में जो भी उपकरण जो भी मतलब कि पुर्जे लगे होते हैं अगर उसमें टूट फूट हो जाता है या कोई भी चीज़ हो जाता है तो उसको मैकेनिकल फॉल्ट बोलते हैं। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, कि जबकि देखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है यह किसी पावर सिस्टम में वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इन सब चीज़ों का करता है प्रभावित करता है, तो इसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य शब्द है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जब किसी भी पावर सिस्टम में होता है तो यह वोल्टेज करंट आदि को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, टेम्प्रोरी फॉल्ट। टेम्प्रोरी फॉल्ट आपको बता दिए, इसको दो नाम है इसका, इसको टेम्प्रोरी फॉल्ट आप लोग बोलिए या फिर नॉन स्टेबल फॉल्ट बोलिए। टेम्प्रोरी फॉल्ट का मतलब है कि क्या होता है कि टेम्प्रोरी मतलब कुछ, यह फॉल्ट जो होता है कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है और यह अपने आप क्या होता है, सही हो जाता है। लेकिन देखिए जो परमानेंट फॉल्ट होता है यह अपने आप सही नहीं होता है, यह लंबे समय तक रहता है और इसको मतलब सही करने के लिए पावर सिस्टम की रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। तो टेम्प्रोरी फॉल्ट और परमानेंट फॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा। टेम्प्रोरी जो होता है नॉन स्टेबल मतलब होता है, आपको बताएं जैसे कि आधी चलती है मतलब आधी या तूफान चलता है तो मतलब बिजली के तार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं लेकिन अपने आप फिर सही हो जाते हैं, तो एक प्रकार का टेम्प्रोरी फॉल्ट हो गया। और जो परमानेंट फॉल्ट है, मान लीजिए एक थ्री फेज वायर है, थ्री फेज वायर इनमें से कोई एक वायर टूट के अर्थ से कनेक्ट हो गया तो इसे बोलेंगे परमानेंट फॉल्ट, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब तक पावर सिस्टम की रिपेयरिंग नहीं की जाएगी तब तक ये सही नहीं होगा। तो आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ये सारा चीज़ें आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं परमानेंट फॉल्ट में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। बहुत ही सिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब कि सिमेट्रिकल का पहले हिंदी आप लोग समझ लीजिए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। सममित मतलब जैसे देखिए सममित इसे कब बोलेंगे, देखिए सममित कोई चीज़ कब हो, जैसे मान लीजिए एक चित्र हमने यहाँ पर बनाया, एक चित्र यहाँ पर बना दिया और एक चित्र यहाँ बना दिया। अगर ये तीनों चित्र जो हैं समान है आकृति में, आकार में, सब कुछ में समान है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों फिगर जो है सिमेट्रिकल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। अगर ये तीनों समान है तो इसे सममित बोलेंगे। अब देखिए पावर सिस्टम के मतलब इलेक्ट्रिक के मतलब की दुनिया में इसको कैसे कैसे समझते हैं। देखिए थ्री वायर है, देखिए थ्री वायर है, अगर ये मतलब कि फॉल्ट इसमें होता है तो फॉल्ट की स्थिति में इसमें जितना करंट जाएगा, मान लीजिए इसमें आई करंट जा रहा है और इसमें भी आई और इसमें भी आई, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है जब तीनों वायर ये तीनों वायर क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तब क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है वो थ्री फेज फॉल्ट होता है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब सममित फॉल्ट है, मतलब कि अगर एक में करंट आई है तो दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, क्योंकि यह क्या होता है फॉल्ट की स्थिति में ही क्या होता है, ये बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि सभी फेज में, मतलब कि जैसे आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया और ये बी फेज, तीनों फेज में क्या है करंट की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है उसका वो इक्वल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब जो यहाँ पर हमने नोट किया उसको समझा देते हैं और आप इसे नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स अगर नहीं बनाते हैं तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि थ्री फेज फॉल्ट जो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। बता दिए हमने कि यह तीन वायर रहेगा और ये थ्री फेज रहे और थ्री फेज होगा जो होगा वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है थ्री फेज में। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि इस प्रकार के फॉल्ट में सभी फेज एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं या अर्थ होते हैं, इस स्थिति में भी यह बैलेंस रहता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट में दो स्थिति हो सकती है, थ्री वायर है, या तो तीनों वायर शॉर्ट हो जाएं तब सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, या फिर तीनों वायर शॉर्ट होकर क्या हो जाए अर्थ से जुड़ जाएं तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। अब तीनों वायर जैसे मान लीजिए ये भी लाइन वाला है, ये भी लाइन वाला, ये लाइन, तो इसको ट्रिपल एल फॉल्ट बोलते हैं। और जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन और ये लाइन, एल एल और ये जी ग्राउंड है, तो इसको ट्रिपल एल जी फॉल्ट बोलते हैं। इसको आगे हम चित्र के माध्यम से आपको समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है
जो होता है वो क्या होता है, थ्री फेज फॉल्ट होता है। और इस प्रकार का फॉल्ट तभी होता है जब तीनों फेज क्या होता है एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं या फिर अर्थ हो जाते हैं। और इसकी खासियत यही है कि शॉर्ट सर्किट मतलब कि फॉल्ट की अवस्था में भी यह जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है यह बैलेंस रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि सभी फेज में जो तीन फेज हमने आपको दिखाया सभी फेज में करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है। और ये क्या होते हैं 120 अंश पर ये क्या होते हैं इक्वली क्या होते हैं मतलब कि विस्थापित होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट नोट किए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट लिख सकते हैं। देखिए इसे सिमेट्रिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी फेज में करंट का मान समान होता है। आपको चित्र के माध्यम से बता दिया जैसे ये तीन चीज़ है, अगर ये तीनों समान है तो इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। अब तीनों फेज में करंट का मान समान होता है तो इसलिए इसे यहाँ भी सिमेट्रिकल ही बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसके अलावा जो भी फॉल्ट होता है जैसे लाइन टू ग्राउंड हो गया, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड हो गया, इसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा, जैसे दो फेज है करंट का मान इसमें आई है तो इसमें आई नहीं होगा, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होगा। और इसमें इसमें जो होगा लाइन टू ग्राउंड मतलब एल जी फॉल्ट होता है, एल एल जी फॉल्ट होता है, इसको आगे आपको बताएंगे। देखिए अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है कि इस प्रकार का फॉल्ट जो है पावर सिस्टम में बहुत कम होता है। देखिए क्यों कम क्यों होता है, जैसे ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये केवल 2-5% होता है। क्यों, क्योंकि देखिए तीन फेज है ना, तीन फेज है तो आर वाई भी तीनों फेज कभी भी जल्दी शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर केस में तीनों फेज मतलब शॉर्ट सर्किट हों और शॉर्ट सर्किट होने के बाद अर्थ से कनेक्ट हो जाएं, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वह बहुत कम मतलब 5-10% होता है। देखिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है कि इस प्रकार के फॉल्ट में फॉल्ट करंट का मान मैग्नीट्यूड बहुत अधिक होता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है कि फॉल्ट करंट, तो कि फॉल्ट करंट का मतलब होता है कि जो फॉल्ट की स्थिति में जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई इक्विपमेंट है इसमें करंट क्या है आई फ्लो हो रहा है, इसमें अभी करंट आई फ्लो हो रहा है लेकिन जो फॉल्ट की स्थिति में जो करंट फ्लो होगा वो कई गुना होगा, मान लीजिए हो सकता है 5 आई हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे कि फॉल्ट की स्थिति में जो करंट फ्लो होता है उसको फॉल्ट करंट बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉल्ट और फॉल्ट करंट में क्या डिफरेंस है, फॉल्ट की स्थिति में जो करंट फ्लो होता है उसे फॉल्ट करंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि इस प्रकार के फॉल्ट में फॉल्ट करंट का मान मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है उसका बहुत अधिक होता है, लेकिन होता बहुत अधिक है लेकिन तीनों फेज में इक्वल रहेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट मतलब है सिमेट्रिकल फॉल्ट, मन में बैठा लीजिए। सिमेट्रिकल फॉल्ट का सिंपल मतलब है कि थ्री फेज लाइन के तीनों तार जो होंगे आपस में मिल जाएंगे, इसको शॉर्ट सर्किट बोलेंगे हम, और इसको बैलेंस्ड फॉल्ट भी बोलते हैं। आपको बता दिए बैलेंस्ड फॉल्ट क्यों बोलते हैं, थ्री वायर रहेगा, थ्री फेज रहेगा आपका, तीनों फेज में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बैलेंस्ड फॉल्ट भी कहा जाता है। तो अगर आप इतना पॉइंट एग्जाम में लिख देते हैं और समझा देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने मेन मेन पॉइंट्स मतलब आपको हमने इतना ही बताया है जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी है। अब उम्मीद है हमें कि आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिकल फॉल्ट को अगर आप डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन देख लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट जिसमें थ्री फेज सम्मिलित होता है, ये आपको बता दिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होगा वो थ्री फेज में ही होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट जिसमें थ्री फेज सम्मिलित होते हैं इसे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार से फॉल्ट फॉल्ट होने के बाद भी बैलेंस होते हैं, बैलेंस का मतलब समझा दिया कि फॉल्ट होने पर सभी फेज में तीनों फेज में फॉल्ट करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। देखिए बैलेंस होने का मतलब है यह है कि फॉल्ट होने पर पावर सिस्टम में सभी फेज में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू समान होता है। देखिए ये जो भी डेफिनेशन ने बनाया है वो आपको बुक से नहीं बनाया है, जब आप अपने शब्दों में कोई चीज़ को लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन में आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो थ्री फेज होता है, इसमें क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं वो बैलेंस होता है और सभी फेज में करंट की वैल्यू जो होती है सेम होती है। अब आपको डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं, अगर डायग्राम बना देते हैं तो आपको दो नंबर आपका वहाँ से फिक्स है। यहाँ पर आपको दो चित्र दिख रहा होगा, दोनों चित्र देखिए, पहला चित्र जो है ये भी सिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये भी और ये भी। देखिए पहले आपको समझा देते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट का डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम में देखिए सबसे पहले आपका ये एक आर फेस होता है, एक वाई फेस, एक बी फेस। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट में होता क्या, तीनों वायर जो होते क्या होते हैं शॉर्ट सर्किट होती है। यहाँ से देखिए आप ये वाला वायर आया है, ये यहाँ पर जुड़ गया है, फिर ये वाला यहाँ से और तीनों क्या हो गए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। इसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि ये एल वाला लाइन, ए ये एल, ये एल, ये एल, ये एल मतलब लाइन, लाइन टू लाइन फॉल्ट।
कि ट्रिपल एल फॉल्ट बोलेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक लाइन यहाँ से आया है एल और ये एल और तीनों जाके मिल गए हैं तो ट्रिपल एल, मतलब लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है थ्री फेज फॉल्ट ट्रिपल एल, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री फेज फॉल्ट ट्रिपल एल लिखा है। और यहाँ पर आएंगे जब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वाला एल ये एल ये एल आर वाई वी है और यहाँ पर देखिए तीनों फेज आके जी ये क्या है आपका जी है और तीनों तीनों फेज वायर मिल गए हैं और फिर ग्राउंड से कनेक्ट हो गए हैं, इसको बोलेंगे ट्रिपल एल जी। तो आप इनमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए तो सिमेट्रिकल फॉल्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट दो होता है, एक तो होगा कि तीनों फेज एक दूसरे संपर्क में आ जाएं, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएं तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, या फिर तीनों फेज शॉर्ट सर्किट होने के बाद ग्राउंड के संपर्क में आ जाएं तो फॉल्ट होगा। तो पहले वाले को बोलेंगे ट्रिपल एल और तीसरे को बोलेंगे ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा, कि उपरोक्त चित्र में सिमेट्रिकल फॉल्ट दिखाया गया है कि फॉल्ट करंट ज्ञात करने के लिए हम किसी एक फेज का गणना करेंगे। देखिए आपको जो चैप्टर पढ़ने का मेन पर्पज़ यही है कि फॉल्ट करंट का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको देखिए फॉल्ट करंट का जब देखिए मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है वो फॉल्ट की स्थिति में है, ठीक है फॉल्ट की स्थिति में है तो फॉल्ट करंट का मान कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट ब्रेकर है, एक सर्किट ब्रेकर है आपका, तो अगर ये फॉल्ट करंट की स्थिति में मतलब डैमेज हो जाता है तो इसको हम किस रेटिंग का बनाएं कि मतलब कि ये डैमेज को भी सहन कर सके। तो हमका मेन पर्पज़ हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का यही होता है कि हम फॉल्ट करंट की वैल्यू कैसे निकालें। अब अगर बात करें सिमेट्रिकल फॉल्ट में, अगर फॉल्ट करंट की वैल्यू आपको निकालना है तो आप देखिए यहाँ पर थ्री वायर है, मतलब थ्री फेज है, थ्री फेज अगर किसी एक फेज की गणना की कर लीजिए आप लोग आई, मतलब कि एक फेज में करंट की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको तीनों फेज की वैल्यू करंट तीनों फेज में करंट की वैल्यू क्या है वो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों फेज में क्या होता है करंट की वैल्यू समान होती है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त चित्र में सिमेट्रिकल फॉल्ट दिखाया गया है कि फॉल्ट करंट ज्ञात करने के लिए हम किसी एक फेज की गणना करेंगे क्योंकि बाकी के फेज में समान करंट होगा, क्योंकि इस प्रकार का फॉल्ट जो होता है बैलेंस होता है। तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा चित्र बनाने के बाद कि फॉल्ट करंट की अगर वैल्यू ज्ञात करना हो तो किसी एक फेज़ का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद सभी फेज जो भी दो फेज बाकी रहेंगे उसमें करंट की वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी। अब यहाँ पर आप देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट आपको बता दिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने आपको दो प्रकार के फॉल्ट बताए कि एक ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, एक ट्रिपल एल जी फॉल्ट बताया। देखिए तो ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट का फिगर भी आपको दिखा दिया, बाकी आप यहाँ भी फिगर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में बना है। पहला वाला जो है ये क्या है, ये ट्रिपल एल जी है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है, और दूसरा वाला क्या है ट्रिपल एल फॉल्ट है। तो इस प्रकार का चित्र आप बना के बिल्कुल हिंदी में लिख के समझा दीजिएगा एग्जाम में तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं कि ट्रिपल एल जी और ट्रिपल एल फॉल्ट क्या होता है, कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में। अब हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एल जी फॉल्ट, तीन पॉइंट नोट किए गए हैं इतने में आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए कि तीनों फेज के आपस में शॉर्ट होने पर यह फॉल्ट उत्पन्न होता है, इसको ट्रिपल एल बोलते हैं। तीनों फेज मतलब ये तीन फेज रहेगा, मतलब कि तीनों फेज अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, और ट्रिपल एल फॉल्ट जो है आपको थ्री वायर या फोर वायर सिस्टम में उत्पन्न हो सकता है। जबकि ट्रिपल एल जी फॉल्ट क्या होता है, थ्री फेज और सिस्टम की ग्राउंड के बीच उत्पन्न होता है। देखिए ट्रिपल एल मतलब ये तीन तीन हो गया, ये तीनों शॉर्ट रहेगा और ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, इसको ट्रिपल एल बोलेंगे। और अगर इसको समझना है आपको ट्रिपल एल जी मतलब क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपल एंड ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अगर लिखना है आपको विस्तार में तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि जब तीनों वायर क्या होते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो फॉल्ट करंट उत्पन्न होता है, फॉल्ट करंट मान बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल एल एंड ट्रिपल एल जी फॉल्ट क्या होता है, और इसका डायग्राम भी आपको बता दिए हैं किस प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है और सिमेट्रिकल फॉल्ट के कितने टाइप्स हैं। अब अगर आपको एग्जाम में पूछता है सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, डायग्राम बनाइए, तो तीनों चीज़ आप दिखा सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, ट्रिपल एल फॉल्ट क्या है, ट्रिपल एल जी फॉल्ट क्या है, उसका डायग्राम। अब आपका जो अगला टाइप है फॉल्ट का वो है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आपको हम बता दें कि इस प्रकार का फॉल्ट जो होता है थ्री फेज, देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट जो था बैलेंस्ड फॉल्ट था, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है ये अनबैलेंस फॉल्ट होता है। अनबैलेंस का मतलब होता है क्या, यहाँ पर देखिए मेंशन किया है हमने कि मतलब करंट का वैल्यू जो होगा सभी फेज में इक्वल नहीं होगा। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर, डेफिनेशन क्या है कि ऐसे फॉल्ट जिनके होने पर पावर सिस्टम में तीनों फेज में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड समान नहीं होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। कहने का मतलब जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, जैसे थ्री फेज है यहाँ पर
तो इसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू जो होगी तीनों फेज में इक्वल नहीं होगी, मतलब करंट का मान जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होगा, इसे ही अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। देखिए शॉर्ट सर्किट जो होता है, देखिए मान लीजिए कि जैसे कि आपके आपका एक घर है यहाँ पर, कि मान लीजिए घर है यहाँ पर, यहाँ पर बिजली का सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन देखिए आप देखे होंगे जब घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सप्लाई जो है कंटिन्यू नहीं रहता, रुक जाता है, मतलब आपके घर में लाइट चली जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो आप लोगों को पता होगा कि शॉर्ट सर्किट जो होता है एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये दो वायर है और दो वायर यहाँ पर आकर जुड़ जाएं तो कनेक्शन सही होगा, कनेक्शन सही नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, और इसकी वजह से ही हमारा कंटिन्यू जो सप्लाई होता रहता है वो रुक जाता है। अगर सप्लाई मशीन में जा रहा है तो मशीन का वर्किंग रुक जाता है। तो शॉर्ट सर्किट बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है, देखिए किसी भी पावर सिस्टम में जब किसी प्रकार से दो या दो से अधिक फेज जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो इस सर्किट में उत्पन्न फॉल्ट जो होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मतलब थ्री फेज सिस्टम है आपका, जब दो या फिर दो या दो से अधिक दो फेज होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के सर्किट में जो कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। और फॉल्ट का सिंबल शायद आप लोगों को पता होगा, ऐसे करके शायद ऐसे कुछ होता है, अभी आपको दिखा देंगे शॉर्ट सर्किट जो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से, उसमें आपको बता देंगे कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फॉल्ट को। अब आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। शॉर्ट सर्किट जो होता है एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है सप्लाई जो कंटिन्यू होता रहता है वो स्टॉप हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई थ्री फेज सिस्टम है, इसमें दो या दो से अधिक फेज जो होते हैं आपस में क्या होते हैं एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की सर्किट में जो फॉल्ट उत्पन्न होता है उसे ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट के होने के कारण क्या हो सकते हैं। आपको तो ये समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट कब होगा, शॉर्ट सर्किट के होने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए जैसे कि लाइन में सैग के अधिक हो जाने पर तेज हवा चलने, सैग क्या है, सैग आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में, जैसे मतलब कि ये थ्री वायर गया रहता है यहाँ पर, सैग का हिंदी होता है झोल। देखिए अब वायर देखेंगे ऐसे हल्का सा झोल रहता है उसी को बोलते हैं सैग। अगर लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन होता है अगर उसमें सैग अधिक हो जाता है और तेज हवा चलती है तो क्या होता है दोनों तार के आपस में संपर्कित होने की संभावना रहती है, तो सैग के कारण भी क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और दूसरा रीजन है कि इंसुलेशन फेल हो जाने पर तथा लाइन के आपस में जुड़ने पर। देखिए मान लीजिए जैसे कि थ्री फेज सिस्टम ये वायर है और ये पास पास से गए, इंसुलेशन इसका फेल हो जाता है अगर दोनों का, और किसी वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब तीसरा रीजन देखते हैं, तीसरा रीजन है कि ओवरहेड लाइन के बीच जो है पंछी के आ जाने पर। कई स्थिति में आप लोगों को पता होगा जब मतलब पक्षी जो होता है वो जब इलेक्ट्रिक वायर जो ट्रांसमिशन लाइन का वायर होता है उस पर बैठता है उसे करंट नहीं लगता है, लेकिन कई स्थिति उसमें भी ऐसी होती है कि उस प्रकार से अगर वो पक्षी आ जाता है तो उसको उसको करंट लग जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो पक्षी अगर दोनों वायर को टच करता है तो क्या होता है उसको शॉर्ट सर्किट लगता है, और शॉर्ट सर्किट लगने का ये भी कारण है कि ओवरहेड लाइन पर अगर पक्षी आ जाता है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर देखिए चौथे नंबर पर है कि यांत्रिक आघात की वजह से एक तार का दूसरे तार पर गिर जाना। यांत्रिक आघात कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए पेड़ वगैरह गिर जाता है किसी वजह से, मतलब वायर्स जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ये पोल है और ये वायर्स पोल पर वायर्स गए हैं और कोई मतलब इस पर कोई आघात पड़ता है, कोई मतलब चोट पड़ता है, फिर तनाव पड़ता है कि ये मतलब क्या होता है ये तार टूटकर दूसरे पर गिर जाता है, तो भी क्या होता है फॉल्ट का रीज़न हो सकता है। और अंतिम कारण है इसमें देखिए अ फॉल्ट विथ अप्लायंस। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर चार रीज़न हमने आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट के रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मतलब कि अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किसी भी पावर सिस्टम में या भी किसी भी अप्लायंस मतलब कोई भी उपकरण है उसमें अगर फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है
तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब, इसका हेडिंग का मतलब समझाएं अगर आपको, मान लीजिए कि यह एक क्या है, यह एक इलेक्ट्रिक आयरन है। अगर इसमें फॉल्ट होता है, आयरन मतलब समझते हैं जिसे प्रेस बोलते हैं, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो इस आयरन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे थ्री फेज सिस्टम हो गया या फिर कोई भी उपकरण होगा, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो समझ लीजिए आप लोग। देखिए पहला पॉइंट है इसमें कि शॉर्ट सर्किट करंट का मान जो होता है नॉर्मल कंडीशन में करंट के वैल्यू से कई ज़्यादा गुना होता है। अब आप लोगों के मन में होगा कि शॉर्ट सर्किट करंट किसे बोलते हैं, देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये कोई उपकरण है, जब इसमें क्या है करंट की वैल्यू, जब इसमें करंट जितना रेटिंग करंट होगा इसका, मतलब इसमें जो सप्लाई देंगे इसको, तो उस स्थिति में जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे आई, वो करंट नॉर्मल करंट होता है, ठीक है। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस स्थिति में करंट की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है, तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो करंट की वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो जो इसमें यही बताया गया है कि जो शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तो उस समय जो करंट का मान जो होता है नॉर्मल कंडीशन में करंट के वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होता है। मतलब करंट जो है आई है तो आई दो गुना होगा, दो आई, थ्री आई, मतलब जितना गुना होगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में करंट का मान ठीक ठाक होता है, जितना उपकरण को चाहिए होता है उतना होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की स्थिति में नॉर्मल करंट कंडीशन में जो नॉर्मल करंट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हीट उत्पन्न होता है। आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा करंट का मान होगा हीट उतना ज़्यादा ही उत्पन्न होगा। तो अगर जब हीट उत्पन्न होता है तो पावर सिस्टम में जो भी उपकरण लगे होते हैं उनको क्षति पहुँचता है। और दूसरा इफेक्ट क्या है कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट सप्लाई इंटरप्ट, कहने का मतलब है शॉर्ट सर्किट की वजह से, हमने आपको पहले ही बता दिया, जब किसी भी घरों में या पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो सप्लाई जो होती है वो बाधित होती है, कहने का मतलब सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहता है। और तीसरा इफेक्ट है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट मतलब ऊष्मीय प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, इससे जब ऊष्मीय प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा हानि होगा। और तीसरा चौथा है इसमें देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है जब किसी भी सिस्टम में क्या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठेगा, कहने मतलब उसके अस्थायित्व पर और उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं स्टेबिलिटी जो होता है वो रिलायबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल इस प्रकार होता है, जैसे रिलायबिलिटी प्रोपोर्शनल वन अपान स्टेबिलिटी, तो इस प्रकार से कुछ संबंध आपको पिछले वीडियो हमने आपको बता दिया था। फिर देखिए इसमें दिया है कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर फैक्टर बिकम लेस, पावर फैक्टर का मान जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो शॉर्ट सर्किट की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। उम्मीद है सभी इफेक्ट जो हैं वो समझ में आपको आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए हमारा अब अगला पॉइंट पढ़ने का है कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे अगर बेसिकली बात करें तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि एल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत ही आता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखिए एक एक फेज में तो होगा नहीं, मतलब एक वायर में तो होगा नहीं, होगा जब भी दो वायर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दिया गया है। टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट और थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बता देते हैं, बाकी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों ही आपको बता चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ही फॉल्ट आपको हम पहले पिछले वीडियो में चित्र के माध्यम से समझा भी चुके हैं। बात करें अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट की, यहाँ पर थ्री फेज सिस्टम रहता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट में एक वायर इधर से एक वायर इधर से दोनों क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, संपर्कित हो जाते हैं, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट या फिर टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। और थ्री फेज शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट की बात करें तो तीनों वायर जो होते हैं यहाँ से देखिए ये तीनों वायर एक दूसरे से संपर्कित हो जाते हैं, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को पढ़ो और उसके इफेक्ट बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के कि शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट का इफेक्ट क्या है और उसका टाइप्स क्या है, ये सब आपको बताना है।
ये क्वेश्चन एसजीपी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है कि मतलब कि सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से आप फॉल्ट के कंडीशंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए यही ज़रूरी हो जाता है समझना कि सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे आप लोग देखिए फ्यूज, जब फ्यूज का प्रयोग करते हैं या लिखना होता है तो फ्यूज का प्रयोग इस प्रकार से कुछ दिखाते हैं, और जब बात करें डायोड की तो डायोड का कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है, प्रकार का डायग्राम जो होता है वह क्या करता है, सिंगल लाइन एक लाइन की सहायता से ग्राफिक्स प्रतीकों के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट की सिस्टम को और उसमें किए गए घटक मतलब कि उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके पार्ट्स को दिखाया जाता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम कुछ नहीं है, एक लाइन की सहायता से उसमें क्या दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट या सिस्टम में जो भी उपकरण लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, उन भागों को दिखाया जाता है। आपने सिंगल लाइन डायग्राम कई बार बनाया होगा, जैसे कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में तरह तरह के आपने पावर प्लांट बनाए होंगे। सिंगल लाइन डायग्राम में आपको जो होता है एवेपोरेटर वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं, टर्बाइन वगैरह हो गया सब कुछ दिखा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से जो सिस्टम में फॉल्ट होते हैं उनको दिखाया जाता है। अगर फॉल्ट के सिंबल की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें हमेशा फॉल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमेशा आप लोग फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट का सिंबल इस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से फॉल्ट का सिंबल बनता है। तो जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम में फॉल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसको, और बाकी बारी बारी से दिखा देते हैं जितने भी फॉल्ट हैं और उन फॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर सामने दिखाए जा रहे चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है वो ध्यान से देखिए, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको समझने की भी कोशिश करिए ताकि आपको रटना ना पड़े और आपको समझ में आ जाए कि सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से हम फॉल्ट को कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बता दिए हैं कि आपको बता दिए हैं कि फॉल्ट मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सभी प्रकार के फॉल्ट को सिंगल लाइन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर बताए हैं कि नंबर ऑफ फेस और टाइप्स ऑफ फॉल्ट की मतलब फेस कितने होंगे और फॉल्ट की कौन सा प्रकार है। अब बात करें यहाँ पर देखिए फॉल्ट इन सिंगल फेस, फॉल्ट इन टू फेस, फॉल्ट इन थ्री फेस, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर ओपन सर्किट फॉल्ट में, अगर सिंगल फेज में फॉल्ट होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, तो यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट दिया है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ओपन सर्किट दिया है, तो यहाँ पर हम एक वायर एक यहाँ पर यहाँ से देखिए एक यहाँ से वायर गया है और यहाँ पर बीच में क्या है, ये ओपन है। तो सिंगल फेज फॉल्ट एक फेज में फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पर हम एक फेज को ओपन दिखा दिए हैं, तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट में और सिंगल फेज में ये सिंगल फेज का फॉल्ट हो गया। इस प्रकार से डायग्राम आपको बनाना है, दो चार बार बनाएंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बात करें फॉल्ट इन टू फेज में तो आर वाई बी तीन फेज हैं, तीन फेज में दो क्या होंगे, ओपन होंगे, और यहाँ पर एफ लिख देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फॉल्ट है, ठीक। इसी प्रकार अगर थ्री फेज में ओपन सर्किट फॉल्ट, देखिए ओपन मतलब खुला होता है, यहाँ पर भी देखिए तीन फेज है आर वाई बी और तीनों फेज में अगर फॉल्ट है तो हम तीनों फेज को ओपन कर देंगे और एफ लिख देंगे तीनों में, तो क्या हो गया, फॉल्ट इन थ्री फेज हो गया। अब बात करें दूसरा के, दूसरा इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपको बताएं कि क्या होता है, हमेशा दो फेज में तो तीन फेज में होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले फेज में क्या बात की गई है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट फेज, मतलब कि एक फेज में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की संभावना नहीं है। अगर दो फेज में होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आर वाई बी लिखेंगे, तीन फेज बनाएंगे। अब फिर टू फेज फॉल्ट है तो दोनों वायर्स यहाँ पर ये इसको और इसको दोनों क्या करेंगे, संपर्कित कर देंगे विथ सिंबल, सिंबल आपको बताए थे इस प्रकार से, और बड़ा सा बना के दिखाएं आपको, तो ये इस प्रकार से सिंबल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉल्ट इन टू फेज में समझ में आ गया। अब बात करें अगर फॉल्ट इन थ्री फेज की, फॉल्ट इन थ्री फेज अगर शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है तो तीनों वायर्स को क्या करेंगे आप, एक दूसरे से संपर्कित कर देंगे और बीच में वो सिंबल बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका अर्थ आर ग्राउंड फॉल्ट। अर्थ आर ग्राउंड फॉल्ट में देखिए दिया है आर वाई बी, अर्थ आर ग्राउंड फॉल्ट में दिया आर वाई बी, तो मतलब कि देखिए थ्री फेज है इसमें, थ्री फेज में सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज क्या होगा, लाइन टू ग्राउंड, मतलब लाइन ये है आपका और ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये अर्थ फॉल्ट में सिंगल फेज फॉल्ट है। अब अर्थ फॉल्ट में क्या करें, दूसरे दो फेज की बात करें तो दोनों फेज को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, उसके बाद उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, तो इस अर्थ फॉल्ट में डबल फेज मतलब कि दो फेज वाला फॉल्ट हो गया। और थ्री फेज फॉल्ट की बात करें अर्थ फॉल्ट में, तो यहाँ पर आर वाई भी तीनों फेज को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसे ग्राउंडिंग कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए
कंबाइन आर मिक्स्ड फॉल्ट आता है। कंबाइन आर मिक्स्ड फॉल्ट मतलब कि दोनों तरह के फॉल्ट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वाले चित्र में आप लोग देख लीजिए, पहले वाले चित्र में देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले वाले चित्र में क्या तीसरी फेज है, एक तरफ देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है और आगे चल के क्या हो रहा है, यही वायर, ये वायर जो है देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये वायर यहाँ से यहाँ तक क्या है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है और यही फॉल्ट आगे चल के ओपन फॉल्ट बन जा रहा है, ओपन सर्किट फॉल्ट सिंगल फेज में बन जा रहा है। और दूसरे की बात करें, दूसरे में देखिए थ्री फेज दिया गया है, थ्री फेज के बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि ओपन सर्किट फॉल्ट है, और लेकिन देखिए तीसरा फेज जो है वो भी ग्राउंड से कनेक्ट है, मतलब कि दो कंबाइंड फॉल्ट हो गया या फिर मिक्स्ड फॉल्ट इसे आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से थ्री फेज में बात करें, थ्री फेज में आर आई भी तीनों फेज दिया ही है, इसमें थ्री फेज में क्या दो ओपन सर्किट फॉल्ट है और एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो इस प्रकार के फॉल्ट हो भी सकते हैं। और तो आपको रिप्रेजेंटेशन इसी प्रकार से करना है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा इसको।